जय भीम साथियों, बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1 फरवरी 2018 का यह ऑडियो है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज संसद में पेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम केंद्रीय बजट को गत वर्षों की तरह ही केवल लच्छेदार बातों वाला छलावा व गरीब विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपनी जुमलेबाजी बंद करके तथ्यों व तर्कों के आधार पर यह जरूर बताना चाहिए कि कहाँ है वो अच्छे दिन जिसका वायदा उन्होंने देश की 125 करोड़ जनता से सीना तान कर चुनाव के समय किया था, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने भ्रामक व वादा खिलाफी के लिए उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुश्री मायावती जी ने अपने बयान में कहा कि केवल अलंकृत भाषणों व लच्छेदार बातों से गरीबों व मेहनतकश जनता का पेट नहीं भरने वाला है, बल्कि श्री मोदी सरकार द्वारा अब तक जो भी दावे किए गए हैं या फिर जितने भी वायदे किए गए हैं उस संबंध में एक जिम्मेदार व जवाबदेह सरकार की तरह उनकी सत्यता का, वास्तविकताओं का लेखा जोखा भी जनता की संतुष्टि के लिए जरूरी ही बताना चाहिए, जो कि अब तक नहीं किया गया है और केवल हवा हवाई बयानबाजी ही की गई है। साथ ही आज जो बजट श्री मोदी सरकार ने संसद में पेश किया है वह वास्तविक भारत के हितों की रक्षा करने वाला बजट नहीं है, क्योंकि आज असली युवा व ग्रामीण भारत को सबसे ज़्यादा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसकी अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने की ज़रूरत है, पकौड़ा बेचकर रोजगार अर्जित करने के सरकारी सुझाव की नहीं है। करोड़ों शिक्षित बेरोजगार लोग बहुत ही मजबूरी में पहले से ही पकौड़ा व चाय बेचने वाला काम कर रहे हैं, जो कि उनकी कौशलता के हिसाब से बिल्कुल भी सही व न्यायोचित नहीं है। यह श्री मोदी सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। वास्तव में श्री मोदी सरकार की अब तक जो प्राथमिकताएं रही हैं वह खासकर देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित को साधने वाली कतई नहीं रही हैं, और यही कारण है कि विकास के जो दावे सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं उसका थोड़ा भी लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पाया है, जिस कारण अमीरों व गरीबों के बीच की पहले से मौजूद खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इससे समाज उद्वेलित व तनाव में है, साथ ही यह सरकार की पूरी प्राथमिकताओं व दावों की पोल भी खोलता है। धन्यवाद।